एमसीडी बार बार ये कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अपने डॉक्टरों की तनख्वाह दे सकें, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम नर्सिस की तनख्वाह दे सकें, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम सफाई कर्मचारी की तनख्वाह दे सकें। लेकिन वही नॉर्थ एमसीडी 2500 करोड़ का साउथ एमसीडी का जो किराए का बकाया था उसे माफ करके जीरो कर सकती है। पिछले कई सालों से अगर आप साउथ एमसीडी के अकाउंट्स देखिए तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप में लिखा रहता था कि 2500 करोड़ सिविक सेंटर में जो एसडीएमसी का ऑफिस चलता है उसका किराया बकाया था। लेकिन इस साल के बजट में वो 2500 करोड़ गायब हो जाता है, बकाया जीरो हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये 2500 करोड़ रुपए गए कहां? सवाल ये है कि इस 2500 करोड़ को जीरो करने में किस भाजपा के साउथ एमसीडी के नेता के पास, किस भाजपा के नॉर्थ एमसीडी के नेता के पास कितने पैसे गए कि वो बकाया जीरो हो गया? ये जो 2500 करोड़ का लॉस टू द पब्लिक एक्सचेकर है, जो 2500 करोड़ रुपए नॉर्थ एमसीडी के पास आने थे, आज वो 2500 करोड़ जीरो होके लॉस टू द पब्लिक एक्सचेकर हो चुका है। इस भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है, इस गबन के लिए कौन जिम्मेदार है, इस लॉस टू द पब्लिक एक्सचेकर के लिए कौन जिम्मेदार है? इस 2500 करोड़ के भ्रष्टाचार पर दिल्ली सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री सत्येंद्र जैन जी ने एक इंक्वायरी का आदेश दिया है कि ये पैसा जो पब्लिक मनी है, जो पब्लिक एक्सचेकर के पास आना था, वो 2500 रुपए कहां गया, उसके जवाब मांगे गए हैं। आज आम आदमी पार्टी की मांग है कि इस 2500 करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच की जाए, कि एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि 2500 करोड़ रुपए का लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर कैसे हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जेब में पैसे गए, यह जनता को जानने का अधिकार है। और जो इसके लिए दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस 2500 करोड़ से ही डॉक्टरों की तनख्वाह दी जा सकती थी, इस 2500 करोड़ से नर्सों की तनख्वाह दी जा सकती थी, इस 2500 करोड़ से सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सकती थी, टीचरों की तनख्वाह दी जा सकती थी। लेकिन आज ये 2500 करोड़ गायब हो गया है। आम आदमी पार्टी के पार्षद और आम आदमी पार्टी के विधायक कल सुबह 11 बजे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहां जाएंगे और सीबीआई इंक्वायरी की जांच करेंगे। हम कल सुबह 11 बजे इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के यहां पे भी जाएंगे और इस सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और हमारे विधायक और पार्षद एलजी साहब के घर के बाहर और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के घर के बाहर तब तक बैठे रहेंगे जब तक वे दोनों सीबीआई जांच के आदेश नहीं देते हैं। वैसे भी अब तो दिल्ली पुलिस का नया नियम है और वो नियम ये कहता है कि संवैधानिक अथॉरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के घर के बाहर धरने पे बैठा जा सकता है। तो जिस तरह दिल्ली पुलिस ने अपने इस नए नियम के तहत भाजपा के पार्षदों को सीएम के घर के बाहर बैठने की अनुमति दी हुई है, मुझे पूरा भरोसा है कि उसी नियम के तहत दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के पार्षदों को और आम आदमी पार्टी के विधायकों को यह अनुमति देगी और पूरी प्रोटेक्शन देगी कि वे कल सुबह 11 बजे से एलजी साहब के घर के बाहर और अमित शाह जी के घर के बाहर बैठेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक इस 2500 करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश नहीं होते। थैंक यू। क्या नॉर्थ ऐसा कोई नियम है कि एमसीडी दूसरी एमसीडी का इस तरह का बकाया माफ कर सकती है? ये पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है,
ये पैसा जो नॉर्थ एमसीडी के खजाने में आना था वो अब जीरो हो गया है। तो इस 2500 करोड़ से जो सैलरीज दी जा सकती थी, चाहे टीचरों की, चाहे सफाई कर्मचारियों की, चाहे डॉक्टरों की, आज नहीं दी जा सकती हैं। लॉस टू द पब्लिक एक्सचेकर का ही रीजन था जिसकी वजह से हम 2G घोटाले को घोटाला कहते हैं, जिसकी वजह से हम कोलगेट घोटाले को घोटाला कहते हैं, क्योंकि वहां पर एक लॉस टू द पब्लिक एक्सचेकर हुआ। उसी तरह से ये 2500 करोड़ आज लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर हुआ है, इसलिए इसकी जांच होनी जरूरी है। देखिए, सीएम के घर के बाहर बैठे हुए भाजपा के पार्षद एक 13000 करोड़ की डिमांड लेके, जिसका कोई आधार ही नहीं है, मतलब बिल्कुल एक बेफालतू की डिमांड लेके बाहर वो बैठे हुए हैं। लेकिन जो 2500 करोड़ पर सीबीआई इंक्वायरी की जांच है, ये एक बिल्कुल जायज जांच है और जरूरी जांच है जो होना चाहिए, क्योंकि यही नॉर्थ एमसीडी है जो कहती है कि जो हमारे फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स हैं हम उन्हें तनख्वाह नहीं दे सकते हैं। ये वही एमसीडी है जो कहती है कि टीचर जो घर घर जाके सर्वे भी कर रहे हैं पढ़ाने के अलावा, हम उन्हें तनख्वाह नहीं दे सकते। ये वही नॉर्थ एमसीडी है जो कहती है कि हमारे पास सफाई कर्मचारी को देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन जो 2500 करोड़ उस नॉर्थ एमसीडी के पास आना था, नॉर्थ एमसीडी ने स्वाभाविक रूप से किसी की जेब में पैसा गया होगा, जिसकी वजह से इस बकाया राशि को जीरो कर दिया गया है। आप लोग कब तक वहां पे बैठे रहेंगे, क्या कुछ इसका? सभी विधायक जाएंगे, सभी पार्षद, कितने लोग वहां पे अमित शाह के घर पे होंगे, कितने लोग एनडीए हाउस पे होंगे? देखिए, हम वहां पर तब तक बैठेंगे जब तक सीबीआई इंक्वायरी के लिए ऑर्डर नहीं हो जाते हैं, जब तक माननीय एलजी साहब और जब तक माननीय गृह मंत्री जी सीबीआई इंक्वायरी के आदेश नहीं देते हैं, तब तक हमारे पार्षद और हमारे कुछ विधायक वहां पर बैठे रहेंगे और वहां से नहीं उठेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह दिल्ली पुलिस ने अनुमति दी हुई है भाजपा के पार्षदों को सीएम साहब के घर बैठने के बाहर की उसी तरह से दिल्ली पुलिस उसी नियम कानून के तहत हमारे पार्षदों को और विधायकों को भी परमिशन देगी एलजी साहब के घर बैठने के लिए, एलजी साहब के घर के बाहर बैठने के लिए और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के घर के बाहर बैठने के लिए।